चलिए दोस्तों, आज रिपेयर करते हैं एचपी की पावर सप्लाई और इसमें क्या प्रॉब्लम है आज देखते हैं लाइव। तो सबसे पहले हम इसको पावर लगा के चेक करते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, ऐसे रिपेयरिंग सीखने के लिए। तो पावर मैंने लगा लिया, तो ये प्रिंटर इस केस में क्या होता है, ऐसे पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आता है तो प्रिंटर ऑन नहीं होता, ठीक है, इनिशलाइज नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसी रेंज पे नहीं डीसी पे सेट करना है आपको मल्टीमीटर को, जैसे मैंने सेट किया है यहाँ पर डीसी रेंज पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेंगे इसे कैपेसिटर के बैक साइड से, तो यहाँ पे 300 से 325 वोल्टेज आना चाहिए, 330-340 चलेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 35 वोल्ट की कैपेसिटर यहाँ पे होती है, हर पावर सप्लाई में 10-20, 10-22, 10-10, 10-18, ठीक है, 1007, ये सारे में होती है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो यहाँ पे 24 वोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी हालत में, ये प्रेस करने के बाद स्विच, जब आप डोर क्लोज करते हो तो ये स्विच प्रेस होता है, तो ये कवर देखिए, तो यहाँ पे सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। अगर ये स्विच नहीं प्रेस भी करते हो तो यहाँ तक 24 वोल्ट आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। तो इसका एक्चुअल रीज़न क्या होता है चलिए आज जानते हैं, ठीक है, और क्यों होता है। तो कभी इशू अगर आप यहाँ पे लगाते हो, ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या होता है, इशू का अगर आप पिन का स्ट्रिप होता है, जैसे आप लगाते हो केबल, ये केबल होती है, तो इसमें इधर से आप लगाते हो तो ये स्ट्रिप निकल जाता है, तो ये प्रॉपर फिट नहीं हो पाता। तो इसमें आप कम इधर मतलब ये मिस अलाइन हो जाता है पिन, तो क्या होता है शॉर्ट हो जाता है, तो इशू शॉर्ट होता है, या इशू भी शॉर्ट होने के कारण या कुछ और भी शॉर्ट होने के कारण ये क्या होता है, इस पर लोड पड़ता है इस कनेक्टर के थ्रू। इस पावर सप्लाई पे प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया होता है, फ्यूज़ देखिए, फ्यूज़ इधर से अगर आपको दिखाऊँ तो ये 35, इस पर कैपेसिटर पर हमने बैक साइड से वोल्टेज चेक किया था, यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा था, ठीक है, और इस पर चेक किया था तो हमारा यहाँ पे 325 वोल्ट आ रहा था इसके लेग पे, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्यूज प्रोटेक्शन फ्यूज दिया होता है, ये फ्यूज क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो इसको आप चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, प्रिंटर भी ऑन हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे कोई बीप रेंज पे चेक किया तो कोई भी बीप नहीं दे रहा इस फ्यूज पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरे पावर सप्लाई में फ्यूज हमारा, ये देखिए, तो इसको चेक करेंगे, चेक करके दिखाएंगे बैक साइड से, तो देखिए यहाँ पे बीप देगा 100%, ठीक है। तो देखिए ये देखिए बीप दे रहा है, तो हम इसको लगाएंगे, इसको इस सप्लाई में लगाएंगे, ठीक है। तो अभी चेंज करते हैं, निकालते हैं, तो ये प्रोडक्शन के लिए लगा होता है बेसिकली। आप इसके जगह जंपर भी लगा दोगे तो भी ये काम करना चालू कर देगा, ओके। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए आप, अगर आपके पास ये फ्यूज नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको फ्यूज चेक करेंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर देखेंगे वहाँ 24 वोल्ट प्रेजेंट हो जाएगा हमारे डोर सेंसर पे, ठीक है, डोर सेंसर स्विच पे, डोर स्विच बोल सकते हो, सेंसर तो नहीं है, सेंसर का काम नहीं करता, ओनली स्विच जोड़ने और तोड़ने का काम करता है सर्किट को, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं एज इट इज, अथवा ओके। तो अभी दोस्तों हमने कोर्स लॉन्च किया है वी सर्व एकेडमी में, तो आप हमारा स्टार्टिंग कोर्स है 12,000 से स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आपको एनरोल करना है, हमारे नंबर पर फ़ोन करिए 7011-53-1172 और हमें ज्वाइन करिए, हम आपको सिखाएंगे प्रिंटर रिपेयरिंग, और भी आपको कोर्स उसमें सिखाया जाएगा, जैसे कि आईटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं जो लाइव होते हैं 100% प्रैक्टिकल, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे आज आप 12,000 आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना कैरियर, और 40 डेज में आपको 100% जॉब प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए एनरोल कीजिए आज ही, अपना सीट बुक करने के लिए हमें व्हाट्सएप या मैं कॉल करके हमें बता सकते हैं, और आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल, ओके। तो ये जो ड्राई शोल्डरिंग की भी इशू हो तो आप ड्राई शोल्डरिंग कर लेना अब लोग, ठीक है। अब चेक करते हैं लाइव, अब यहाँ पे पहले पावर हमारा
सॉरी इम्पिडेंस फ्यूज़ फ्यूज़ की डीप पे रेंज पे। तो देखिए ये फ्यूज हमने निकाल दिया था, ये ओपन है ठीक है। तो हम इस पर चेक करेंगे, देखिए ये बीप आने लगा ठीक है। अब यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, हमारा वोल्टेज आ रहा है नहीं। डीसी सेक्शन पे चेक चेन लगाते हैं और इसमें पावर देते हैं सप्लाई में ठीक है। ये देखिए जो भी हमारे वीडियो होती है लाइव 100% होता है। अब यहाँ पे चेक करेंगे बिना स्विच प्रेस किए, देखिए 24 वोल्ट प्रेजेंट है ठीक है। ये देखिए ओके। और इस वाले पे चेक करेंगे, इन पे दोनों पे यहाँ प्रेस करने के बाद 24 वोल्ट आएगा ठीक है। छोड़ देंगे स्विच को, देखिए प्रेस किया आ गया। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं और ऐसे फॉल्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका सप्लाई ख़राब है, लॉजिक कार्ड ख़राब है। आपका प्रिंटर का जो प्रॉब्लम है आप समझ जाओगे तो प्रिंटर आसानी से रिपेयर कर पाओगे। तो ऐसे ट्रिक और के लिए प्रिंटर रिपेयरिंग सीखने के लिए, पावर कार्ड रिपेयर सीखने के लिए अब हमारे क्लास को ज्वाइन करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।